टू विच मटिल्डा सेड येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, कि जब हम पार्टी से बाहर निकले थे तब मैंने फील किया था कि नेकलेस मेरे पास है। मिस्टर लॉयसल बोलते हैं कि अगर वो सड़क पर गिरा होता तो वो मुझे पता लग जाता, इट मस्ट बी इन द कैब, कि जिस कैब से हम आए हैं ये पक्का उसी में गिरा है। तो उस पर मिसेस लुजील पूछती है, डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने कैब का नंबर लिया था? टू विच ही सेड नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, कास्ट डाउन मीन्स वरीड। तो वो एक दूसरे को देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। मिस्टर लॉयसल बोलते हैं, आई एम गोइंग ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। तो वो स्ट्रीट पर चले जाते हैं, वो वहाँ हर जगह देखते हैं और कि मुझे वो नेकलेस मिल जाए। एंड ही वेंट टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न। वो सुबह 7 बजे वापस आते हैं, सुबह के 4 बजे वो पार्टी से निकले थे, फिर वो नेकलेस ढूंढने जाते हैं स्ट्रीट्स पर, फिर सुबह 7 बजे वो वापस आते हैं। उसके बाद वो पुलिस के पास जाते हैं, कैब ऑफिस में जाते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं कि कहीं उनको नेकलेस मिल जाए, और अगर वो मिल जाता है देन दे विल ऑफर अ रिवॉर्ड टू दैट पर्सन, मतलब दे विल गिव अ प्राइस टू दैट पर्सन। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बीविल्डरमेंट मीन्स कन्फ्यूजन, मतलब कि वो पूरे दिन कन्फ्यूजन ही निकाल देती है कि मैंने कहाँ नेकलेस घुमाया होगा, कहाँ वो चला गया होगा। उसके बाद मिस्टर लॉयसल को एक आइडिया आता है, ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ दैट नेकलेस। तो वो बोलते हैं कि अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो कि तुमने उस नेकलेस का क्लैस्प इज हुक, कि तुमने उस नेकलेस का, तुमसे उस नेकलेस का हुक टूट गया है और अब तुमने उसे रिपेयर होने के लिए दिया है और जिस पे टाइम लगेगा। तो वो 1 week का टाइम मिसेस फोरेस्टियर से मांगते हैं। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। तो आफ्टर अ वीक उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेलरी। तो वो सोचते हैं कि अब हमें एक नया नेकलेस ही खरीदना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। फिर वो एक शॉप पर जाते हैं, दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स। चैपलेट क्या होता है? गार्लेंट। तो उनको वो डायमंड का नेकलेस मिल जाता है जो एग्जैक्टली पहले वाले जैसा लग रहा होता है, बट इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs। तो वो 40,000 francs का होता है, विच लाइक वो इतने ज़्यादा पुअर हैं कि वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। 40,000 इज़ लाइक टू मच। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, बट उनको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है तो वो चैपलेट ऑफ डायमंड्स जो उनको 36,000 francs का पड़ता है, बट 36,000 francs भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तभी उन्होंने अपना एक नया परचेज नहीं किया था, उन्होंने बोरो किया था। लॉयसल पोजेस्ड 18,000 francs। अब ये जो 36,000 francs हैं, तो 18,000 मिस्टर लॉयसल के पास रखे होते हैं जो उनके फादर ने उनको दिए होते हैं, और बाकी जो रेस्ट जो मनी है वो बोरो करते हैं, किससे? मनी लेंडर्स से। सो सी ही टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स। यूजरर्स कौन होते हैं? मनी लेंडर्स ओनली, ठीक है। तो वो कुछ मतलब मनी लेंडर्स से वो अमाउंट बोरो करते हैं, एंड देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस। वो नया नेकलेस ले आते हैं, कितने अमाउंट में? 36,000 francs। When Mrs. लोजील took back the jewel to Mrs. Forrestier, जब Mrs. लोजील Mrs. Forrestier के पास वो वापस करने के लिए जाती है वो ज्वेलरी, although उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि अगर उनको पता लग गया कि ये नया है तो obviously वो गुस्सा करेंगी, ठीक है। तो वो उनके पास जाती है तो Mrs. Forrestier क्या बोलती है? You should have returned them to me sooner, for I might have needed them. तो उस टाइम पर वो क्या बोलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी होती हैं, उन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं किया होता है, तो बोलती है कि तुम्हें मुझे पहले ही रिटर्न कर देना चाहिए था, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे वो चाहिए होता तो तुम्हें पहले ही रिटर्न कर देना चाहिए था। मिसेस फोरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेलरी बॉक्स। मिसेस फोरेस्टियर ज्वेलरी बॉक्स को ओपन करके देखती ही नहीं है, जो मटिल्डा को डर लग रहा था कि वॉट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, कि उनको ये लग रहा था, परसीव मीन्स नोटिस, सब्स्टिट्यूशन इज रिप्लेसमेंट, कि मिसेस फोरेस्टियर अगर ओपन करके देख लेती है और उनको पता लग जाता है इफ शी नोटिस द रिप्लेसमेंट ऑफ द ज्वेलरी तो उनको कैसा लगेगा, वॉट वुड शी से, वो क्या कहेंगी, कहीं उनको ये ना लगे कि मैं चोर हूँ, राइट। अब यहाँ से मटिल्डा की लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो अमाउंट बोरो किया था 18,000 के अलावा, जो 18,000 बोरो किए थे वो अब उनको वापस करने थे, तो उसके लिए उन्हें अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज शी हैज़ टू पे द अमाउंट।
शी सेंट अवे द मेड, वो मेड को हटा देती हैं, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, मतलब अपना घर चेंज कर लेते हैं, और वो कहाँ रहते हैं, इन एन एटिक. एटिक इज लाइक रूम फॉर स्टोरिंग थिंग्स, मतलब एक स्टोर रूम टाइप वो एरिया ले लेते हैं जहाँ पर वो रहते हैं. वो छोटा मोटा काम करती हैं किचन का, शी वॉश द डिशेज, डिशेज इज यूटेंसिल्स, तो सारे बर्तन वो खुद धोती हैं, सारे कपड़े वो खुद वॉश करती हैं, उनको सुखाती हैं. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water. वो पानी लेकर आती हैं, बाहर जाती हैं, पानी भी खुद भरती हैं. She went to the grocers, the butchers and the fruiterers with her basket on her arm. तो घर का जितना भी काम है वो सारा वो खुद करती हैं, चाहे वो ग्रॉसरी शॉपिंग हो या कुछ भी हो, वो सारा खुद कर रही हैं. तो उनकी लाइफ एकदम चेंज हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक कुछ काम नहीं किया था, अब उनको छोटे से छोटा काम भी खुद करना पड़ रहा है. The husband worked evenings. उनके जो husband हैं वो भी बहुत काम कर रहे हैं, वो evening तक अपना normal काम करते हैं, normal routine work करते हैं. And at night he often did copying work. तो उनके husband भी day and night काम कर रहे हैं. And this life lasted for 10 years. 10 साल तक this pathetic life, जब उनके husband और Matilda दोनों पूरे दिन रात काम कर रहे हैं, ये 10 years तक चलती है. 10 साल तक वो इतना काम करते हैं, and after that they had restored all. मतलब उनकी एक normal life शुरू हो जाती है, उन्होंने अपना सब कुछ pay away कर दिया है 10 years तक. अब उनकी normal life, not a rich life, rich life उनकी पहले भी नहीं थी, rich life नहीं, लेकिन एक normal life जो है वो start हो जाती है. Mrs. Loisel seemed old now. Obviously, अब उन्होंने घर का इतना काम किया 10 साल तक, तो वो एक मतलब ओल्ड लगने लगी हैं, वो एक हार्ड वुमेन बन गई हैं, स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गई हैं. लेकिन उनका जो हेयर है, हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, तो एकदम उनके हेयर एकदम ख़राब हो गए हैं, उनकी ड्रेस अच्छी नहीं है, हर हैंड्स रेड, और अब वो बहुत ही लाउड टोन में बात करने लगी हैं, बहुत ही लाउड वॉइस में बात करने लगी हैं. वो अपने फ्लोर्स तो हैं जो खुद वॉश करती हैं, बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, मतलब वो एकदम बहुत ही अजीब से दिखने लगी हैं, और वो सारा काम अभी भी खुद कर रही हैं. बट कभी कभार जब उनके हस्बैंड बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वो ये चीज़ सोचती हैं कि उनकी लाइफ में क्या हुआ. She would seat herself before the window and think of that evening party of former times. कि पहले जब वो पार्टी में, उस दिन पार्टी में जब वो गई थी, तो क्या हुआ था, या फिर वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, कितने फ्लैटर्ड हो गए थे लोग उनको देखकर, और उसके बाद लाइफ मतलब उस पार्टी में क्या हुआ कि उन्होंने नेकलेस घुमा दिया. हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस द नेकलेस, अगर उनसे वो नेकलेस नहीं खोया होता तो उनकी लाइफ कैसी होती. Who knows how singular is life? कैसे हर एक person की life change हो जाती है, how full of changes, कितने हर एक person की life different होती है, कितने changes से भरी होती है, या फिर एक छोटी सी चीज़, how small a thing will ruin or save one, कि एक छोटी सी गलती कैसे इंसान की life को change कर सकती है. तो ये सारे questions उनके दिमाग में आते हैं, और वो ये सारी चीज़ें सोचती हैं बैठकर. One Sunday as she was taking a walk, One Sunday, जब वो वॉक कर रही होती है, शी सडनली परसीव्ड अ वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड. तब उनको एक तब वो एक लेडी को नोटिस करती हैं, परसीव मीन्स नोटिस, तब वो एक लेडी को नोटिस करती हैं जो अपने बच्चे के साथ वॉक कर रही होती है, और वो लेडी कौन होती है, मिसेस फॉरेस्टिया. और मिसेस फॉरेस्टिया अभी भी यंग है, प्रिटी है, अट्रैक्टिव है, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल है. Mrs. Loisel was affected. वो उनको देखकर एकदम ऐसे अट्रैक्ट हो जाती हैं, वो सोचती हैं कि क्या मैं उनसे जाकर बात करूँ, should she speak to her? क्या मैं उनसे जाकर बात करूँ या नहीं. और फिर उनको लगता है कि हाँ, अब मैं जाकर उनसे बात कर सकती हूँ, और अब एट लास्ट मैं उनको सब कुछ बता सकती हूँ. She would tell her all. Why not? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स बीन 10 years. She approached her, वो उनको अप्रोच करती हैं, एंड शी सेड गुड मॉर्निंग जीनी. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकोगनाइज हर. अब मिसेस फॉरेस्टियर उनको रिकोगनाइज क्यों नहीं करती, क्योंकि वो क्योंकि मिसेस लॉयजल या मटिल्डा पहले कितनी अट्रैक्टिव लगती थी, अब उन्होंने इतना काम कर चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड लगने लगी हैं, तो उनकी फ्रेंड उनको रिकोगनाइज ही नहीं कर पाती. और उनकी फ्रेंड बोलती हैं, बट मैडम आई डोंट नो यू, यू मस्ट बी मिस्टेकन. उन्हें लगता है कि तुमसे शायद कोई गलती हुई है, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ. मटिल्डा नो हर फ्रेंड अटर्ड. तो यहाँ पर मटिल्डा उनको बताती हैं, नो आई एम मटिल्डा लॉयसल, तुम्हारी फ्रेंड.
तो जैसे उनको पता लगता है मिसेस फोरेस्टिया को दैट शी इज मटिल्डा, हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट. एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज. तो एकदम से सरप्राइज, उनको एकदम से शॉक लगता है. ओ माय पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड. तो वो पूछती हैं कि अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम एकदम से इतनी चेंज क्यों हो गई हो. तो चेंज उनका मतलब वही है कि पहले वो इतनी अट्रैक्टिव थी और अब वो इतनी ओल्ड लग रही हैं. तो मिसेस फोरेस्टिया पूछती हैं कि तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो, मतलब तुम तो इतनी अट्रैक्टिव लगती थी, अब तुम इतनी ओल्ड क्यों लग रही हो. तो उस पर मटिल्डा क्या बोलती है, येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, कि मेरी लाइफ में कुछ हार्ड डेज आए थे, कुछ मिजरेबल डेज आए थे, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम्हारी वजह से. तो एकदम से मिसेस फोरेस्टिया को शॉक लगता है. वो बोलती है बिकॉज ऑफ मी, हाउज दैट, मेरी वजह से क्यों. तो मटिल्डा उनको बताती हैं, यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन टू मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल. तो वो बोलती हैं कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे डायमंड नेकलेस दिया था मिनिस्टर्स बॉल, मतलब उस बॉल पार्टी के लिए. वेल आई लॉस्ट इट, मुझसे वो खो गया था. तो मिसेस फोरेस्टिया पूछती हैं हाउज दैट, ऐसे कैसे, तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया था. तो यहाँ पर मटिल्डा उनको पूरी स्टोरी बताती है कि मैंने, आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट, कि मैंने रिप्लेस किया था. एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर्स टू पे फॉर इट, और मुझे 10 साल लग गए उसको पे करने में. और फिर वो बताती हैं दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, कि हमारे पास पहले भी कुछ नहीं था तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था उसको पे करना. इट इज़ फिनिश्ड नाउ एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. कंटेंट मीन्स फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि अब जब मैंने रिटर्न कर दिया है तो मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मैंने किसी की कोई चीज़ खोई थी और मैंने उसको रिटर्न कर दिया. मिसेस फोरेस्टिया जब ये सारी बातें सुनती हैं तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं, इसलिए वो दोबारा से पूछ रही हैं, देखो यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम ये बोल रही हो कि तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे वाले को रिप्लेस करने के लिए. तो थोड़ा सा मटिल्डा को अजीब लग रहा था. तो वो बोलती है हाँ, क्या तुमने नोटिस नहीं किया, परसीव इज नोटिस, क्या तुमने नोटिस नहीं किया. वेल वो दोनों एक जैसे थे तो इस वजह से तुमने नोटिस नहीं किया होगा. नाउ लास्ट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, मिसेस फोरेस्टियर इस पर क्या बोल रही है, ओ माय पुअर मटिल्डा, माइन वाज फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स. वो बोलती है ओ बेचारी मटिल्डा, माइन वाज फॉल्स, फॉल्स मीन्स फेक, मेरा तो फेक था, मतलब कि मेरा तो वो डायमंड नेकलेस ही नहीं था, वो तो 500 फ्रैंक्स भी वर्थ नहीं करता था. गेटिंग मी, मतलब 36,000 फ्रैंक्स का उन्होंने खरीदा, मटिल्डा को कितना महंगा पड़ा होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था. और अगर उनको पता होता कि वो एक फॉल्स नेकलेस है तो ज़रूरत भी नहीं थी पे करने की, या फिर 500 फ्रैंक्स तो वो उनके जो फादर थे वही 18,000 फ्रैंक्स छोड़कर गए थे, तो वो आराम से कर सकते थे. बट उन्हें लाइफ में ये लेसन लर्न करना था कि इंसान के पास जितना है उसे उसी के साथ सेटिस्फाइड रहना चाहिए. So this is the end of the story.